नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चार कली का पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलें कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। दो मीटर कपड़े में फूल घेरे की पेटीकोट की कटिंग करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे दोस्तों लंबाई हम बनाएंगे 34 इंच प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो 35.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे फैब्रिक को। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फैब्रिक को नाप लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये 34 इंच लेंथ है, इसलिए अगर 34 से बाद होगा 35, 36, 37 तो ये हम पूरा फैब्रिक ले लेंगे उस हिसाब से। अब यहाँ पे दोस्तों हम कटिंग करने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेंगे ऐसे, फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम लंबाई में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक फोल्ड और कर लेंगे ऐसे। अब यहां दोस्तों यहां से हमें बेल्ट निकालना होगा, तो बेल्ट और नाड़ा जो है यहां से हम निकाल लेंगे। तो बेल्ट हमें बनाना है तो हम 3.5 इंच पे यहां पे कटिंग कर लेंगे ऐसे, 3.5 इंच पे मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे यहां से। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पेटीकोट कटिंग करने का। इसमें आप फुल घेरी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा घेरी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कमर होता है, हिप होता है, तो हिप के हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 36 इंच हिप है, तो हिप के हिसाब से हम यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे इस तरीके से। 36 के हम आधा कर लेंगे, तो 36 का आधा 18 इंच हो गया। तो 18 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग करने से पहले यहाँ पे हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन अलग से लेंगे। अब यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ने के बाद 18 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो ये दोस्तों बेल्ट हो गया। अब यहाँ पे हम एक चटका लगा देंगे सेंटर करके ऐसे। इस पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है कमर में उसको हम प्लेट डालेंगे, इसलिए प्लेट डालना भी बहुत ज़रूरी होती है कमर में। अब दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें हम नाड़ा बना लेंगे। तो नाड़े के लिए हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। नाड़ा कभी भी बेल्ट के हिसाब से बनाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम बेल्ट इसका 18 इंच बनाए हैं, तो हम 18 इंच ऐसे नाप लेंगे। तो ये हो गया 18 इंच। उसके बाद हम इसमें प्लस कर लेंगे कम से कम 8 से 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉस में यानी कि तिरछा कटिंग करेंगे और उरेब में ज्वाइंट करेंगे ऐसे। चलें अब हम चार कली की पेटीकोट कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे पहले, उसके बाद हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया लंबाई। तो लंबाई में हम इसको तिरछा फोल्ड करेंगे ऐसे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम कमर की मार्किंग करते हैं। तो कमर की मार्किंग हम हिप के हिसाब से करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 36 इंच हिप है, तो 36 का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच, उसके बाद 1.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, लूजिंग और मार्जिंग दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम घेरी देख लेते हैं। तो घेरी देखिए, कभी भी आप कटिंग करें तो 18 से कम नहीं होना चाहिए। 18 से जितना बढ़ जाए उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से 10.5 इंच लेने के बाद दोनों हिस्सा हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे बैठा लेंगे फैब्रिक को अच्छे से।
उसके बाद दोस्तों हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। अब यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक को उठाएंगे ऐसे और फिर हम बिल्कुल ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों पल्ले जो है बिल्कुल बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद हम एक फोल्ड और करेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कटिंग करने में कि ऊपर कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गोल राउंड होना चाहिए। यहाँ पे एक चटका लगा लेंगे हम डॉट के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देखिए इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे ऐसे, उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और देखना होता है कि इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे फैब्रिक को ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट जो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे पॉइंट को राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल राउंड होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट भी नहीं होना चाहिए और अंदर को गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, तो भी नहीं होना चाहिए और वहाँ पे पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी सेफ हो चुका है। तो अब हम दोस्तों आपको नाप कर दिखा देते हैं कि 34 इंच लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच निकाल देंगे ऊपर जो हम बेल्ट लगाएंगे उसके लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 इंच में हम मार्किंग कर देंगे, 1 इंच फोल्डिंग करेंगे और 3 सूत मार्जिन हो जाएगा ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप इस तरीके से जितना लंबा बनाना है जितना छोटा बना है बना सकते हैं। अब हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं, बहुत ही आसान तरीका। तो कली ज्वाइंट करने का एक तरीका मैं बताता हूँ कि कली ज्वाइंट जब भी आप करें तो जैसे उरे पल्ला है एक, तो उरे पल्ले को नीचे रखें और जो सीधा तार में है उसको ऊपर रखें ऐसे, और फिर यहाँ पे आप ज्वाइंट कर लें। इससे में फ़ायदा ये होती है कि सिलाई वहाँ पे कभी नहीं टूटेगा, इसलिए कि एक सीधा तार हो गया और एक उरेब तार हो गया तो यहाँ पे लमड़ने का कोई चांस नहीं होती है, तो यहाँ पे सिलाई भी नहीं टूटेगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो इस तरीके से हम चारों कली को ज्वाइंट कर लेते हैं। पहले हमारे इस चैनल पे लेडीज और जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप आसानी से समझ सकें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे हम जो सामने में ओपनिंग रखते हैं उसके लिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड में फोल्ड करेंगे हम। यहाँ भी हम उसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम कमर की बेल्ट ज्वाइंट करके दिखाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन दिए थे बेल्ट में उतना ही हम फोल्ड करेंगे, इसमें ज़्यादा फोल्ड हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड में हम फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फैब्रिक को हम ऐसे रखेंगे उल्टे की तरफ से, और बेल्ट जो है इसको भी हम उल्टे की तरफ से रखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम उल्टे की तरफ से दोनों रखते हैं, तो जब हम इसको पक्का करेंगे स्टिच करेंगे तब ये जाकर सीधा होगा। ये हम सीधे की तरफ से पक्का करेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेट डालना बहुत ही ज़रूरी होती है, हमारे इस चैनल के सभी वीडियो में इसी तरीके से बोलकर समझाई जाती है ताकि हमारे सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ सके और नए नए दोस्त हमारे सिलाई कटिंग अच्छे तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेते हैं ऐसे, ये हमारा सीधा हो गया। तो सीधा की तरफ से हम फोल्डिंग करते हैं, पक्का करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम एक सिलाई और लगा लेते हैं
उसके बाद हम इसकी लास्ट कली को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम सीधे की तरफ से फोल्ड करेंगे, यहाँ भी हम जो उड़े पल्ला है उसको नीचे रखेंगे और सीधा तार वाले को ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप जब भी बनाएं तो 4-4.5 इंच से ज़्यादा ओफिन ना करें, ऊपर बेल्ट को लेकर आप 4-4.5 इंच ओफिन रखें। तो इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। अब इसकी हेम फोल्ड करके हम आपको दिखाएंगे कि हेम फोल्ड कैसे करेंगे। हेम फोल्ड करने में कभी भी आप देखे होंगे कि एक दिक्कत आती है उसमें, जैसे हम फोल्ड करते हैं डायरेक्ट फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा जो है बढ़ने लगता है, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, कैसे उसको हम बनाएंगे। तो उसका तरीका यह है कि यहाँ पे एक फोल्ड करेंगे ऐसे और इस तरीके से उंगली से हम पीछे दबा देंगे ऐसे, बूट के पास हम अगर दबाएंगे तो वहाँ पे हल्का चुन्नट हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें नम आ चुका है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों हेम फोल्ड करने के लिए। अगर आप अलग से पट्टी लगाते हैं तो उसमें दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप पेटीकोट बनाते हैं फोल्ड करते हैं तो इसमें वो दिक्कतें आती है। तो इसलिए कभी भी आप फोल्ड करें तो उसको पहले एक बार थोड़ा सा नम दे दें ताकि वहाँ पे आपकी जो फैब्रिक है ना बढ़े। तो इस तरीके से स्टिच हो चुका है, सिलाई लग चुका है। अब दोस्तों हम इसमें एक लव की सिलाई और लगा लेते हैं। ये लव की सिलाई लगाने से एक तो सुंदरता बढ़ जाती है और दूसरा होता क्या है कि वहाँ पे थोड़ा मजबूती बढ़ जाती है, तो ये सिलाई लगाना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा चुके हैं। अगर आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।